2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। लेकिन इस वक्त बिहार में दो ही बड़ी समस्याएं हैं, एक बाढ़ और दूसरा कोरोना का प्रकोप। लगभग 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार राज्य में लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। बेरोजगारी का संकट आने वाले दिनों में भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कोरोना ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई होना नामुमकिन है। भाजपा के साथ साथ बिहार के छोटे दल चुनावी रैलियों में लगे हैं, लेकिन उनका क्या जो कोरोना काल में अपनी जान गंवा गए। ये आम इंसान नहीं बल्कि असली कोरोना योद्धा थे, जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। ये लिस्ट देखिए, ये उन 25 डॉक्टरों की लिस्ट है जिनकी जान कोरोना की वजह से चली गई। और कोरोना महामारी के चलते देख रहे हैं, जो जितना आम लोगों की जान की क्षति होती है, उससे ज़्यादा रेशियो में डॉक्टरों की जान की बड़ी क्षति हो रही है। सरकार को भी और हमारे स्वास्थ्यकर्मी को भी सजेस्ट रहने की आवश्यकता है, और सरकार को डॉक्टरों के लिए, स्वास्थ्यकर्मियों के लिए उचित सुविधा उपलब्ध करवाने की, और उन यदि वो इन्फेक्टेड होते हैं तो उनको स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। लगातार ये डॉक्टर मरीजों को बचा रहे थे और खुद कोरोना की चपेट में आ गए। डॉक्टर विनय ने कहा कि बिहार के तमाम जिलों में डॉक्टर कोरोना से जान गंवा चुके हैं। अभी के हालात की बात कर ली जाए तो 1 लाख से ऊपर मरीजों की संख्या बिहार में हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा असर बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से तमाम बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो वायरल वीडियो से बिहार के कई अस्पतालों से सामने आई, वह कहीं ना कहीं विचलित करने वाली थी। एम्स के डॉक्टरों ने एक लिस्ट जारी कर बताया कि कैसे 25 डॉक्टरों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ये बेहद चिंताजनक है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बिहार सरकार को इन डॉक्टरों की चिंता नहीं? चुनाव जरूरी है या फिर जनता की जान बचाने वालों की जान जरूरी? सुशासन बाबू को ये बात क्यों समझ नहीं आई? बिहार से न्यूज नशा के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।